हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में विदेश से आने वाले सेब का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आयात शुल्क का मामला उठाया और सरकार से पूछा कि क्या इसको लेकर केंद्र सरकार से कोई पत्राचार हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा कि फरवरी और मार्च महीने में दो बार केंद्र सरकार को इसको लेकर पत्र लिखा गया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेब बहुल राज्य है और अधिकतर लोग इस पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन आज के समय में सेब में लागत ज़्यादा और लाभ कम हो गया है। ऊपर से विदेश से जो भी आ रहा है उसे हिमाचल के सेब का मूल्य नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार से कई बार विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय कम करने का काम कर रही है। उन्होंने आग्रह किया कि वे भी केंद्र सरकार से इस मामले को उठाएं, क्योंकि जयराम ठाकुर भी बहुल क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में यदि बाहरी देश से सेब देश में ना आए तो प्रदेश के बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिल सकते हैं। जो है कई बार सत्र में इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद जो हमारी हमारी सरकार है केंद्र को भी पत्र लिखा, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। आज मैंने फिर से ये मुद्दा उठाया, थोड़ा डाउन करो, आयात शुल्क पे जो है जो पत्राचार केंद्र सरकार से हुआ है उस पर केंद्र सरकार का क्या जवाब है। और मुझे बहुत निराशा हुई जब सूचना पटल पे रखी गई कि फरवरी और मार्च में इस मुद्दे को जो है उठाया गया केंद्र सरकार के इसमें पत्राचार हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता देखी कि अभी तक उस पर कोई जवाब आया नहीं। आप जानते हैं कि लगातार जैसा मैंने सदन में भी कहा सेब में लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। आपको इस बात की भी जानकारी है कि चुनाव से पूर्व लोग इस पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि शुल्क को 50 से 100% करेंगे, लेकिन उस पर आज तक अमल हुआ नहीं। और अभी जब वो अमेरिका के दौरे पे गए तो वहाँ उनका अमेरिका की जो सरकार है वहाँ से समझौता हुआ, जैसे वो आए वहाँ 50% से 30% हो, और उसका ये नुकसान हुआ कि भारत से जो है इतना सेब आया और हमारी जो कोल्ड स्टोर में सेब था वो पूरी तरह जो है पिट गया। तो मैंने आज भी इस मामले को उठाया। और दूसरा मुझे ये भी कहना है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो ईरान और तुर्की का सेब आ रहा है उससे भी हमारे सेब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा समझौता है, वहाँ शुल्क नहीं लगता, तो वहाँ भी अवैध रूप से सेब आ रहा है, उसमें भी कहीं रोक नहीं है। तो इस मामले को आज हमने फिर से उठाया और नेगी साहब जो हमारे बागवानी मंत्री हैं उन्होंने तफसील से इसका जवाब दिया। सर, क्या कांग्रेस विधायक जो एग्रीमेंट है वो रिवाइज होते हैं? अभी भी बहुत सारी इस तरह के उत्पाद हैं जिन पे 100% है, तो ये वायदा तो प्रधानमंत्री जी ने खुद जनता से किया था, अभी अपने वायदे से मुकर हैं और ये हवाला अनंत शर्मा जी का दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो 50% कम कर दिया तो 30% पे आए। तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन पे 100% हो सकता है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। सर, एक अपनी डिमांड रखेगा वहाँ पर, देखिए आज तो ये बात हुई है कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए, और मैंने जो प्रतिपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर जी उनसे भी मैंने निवेदन किया, वो भी सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं कि वो भी सहयोग करें। और केंद्र सरकार जो हिमाचल के प्रति जो हमारा 5,000 करोड़ की हमारी आर्थ की है बहुत उदासीन नजर आ रहा है, तो मैंने उनसे भी कहा कि आप इस मामले को केंद्र सरकार से उठाएं। विपक्षी